हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शेयर। सो देखिए, ये आपके सामने इसका डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे आपको देख रहा हो, ये इसने लगभग आपका जनवरी 2022 में इसने हाई बनाया था करीब 2700 के आसपास, और वहाँ से देखिए आप पूरा ये डाउन ट्रेंड में था। यहाँ एक बार इसने सपोर्ट लिया और फाइनली इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है 1200 के आसपास, 1200 1250 के आसपास, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके इसने देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे लिया था एक बार, ये लगभग था आपका सितंबर 2022 में, जहाँ 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया था। उसके बाद में फिर से इसने अटेम्प्ट लिया मई 2023 में, फिर से यहाँ से 200 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया, और अभी जो थर्ड टाइम है इसने यहाँ पे देखिए आप इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और वहाँ एक हायर लो फॉर्मेशन करते हुए इस लेवल पे क्लोजिंग दिया है। अभी 1480 का लेवल है इसका। सो ये टॉप से ऑलमोस्ट 50% डाउन था, अभी भी है, ठीक है, लगभग 2700 से अभी देखिए 1400-1500 के लेवल है। सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल्स, और उसके बाद में फिर देखेंगे हम इसके क्या टारगेट्स होने वाले हैं। सो फाइनेंशियल में देखिए आपका जो कंपनी का जो पीई है, स्टॉक का जो पीई है अभी जो वो चल रहा है 54 का, ठीक है। स्टॉक का पी यहाँ पे आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट अगर इसका प्रीवियस जो पी कंपेयर करें वहाँ से काफ़ी ये डाउन साइड में चल रहा है। साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 44% है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 33% है। सो यहाँ से कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल लग रहा है। और अगर देखिए आपका पी देखेंगे हम इसका पिछला 3 साल का पी, तो देखिए जब इसने हाई बनाया था जनवरी 2022 के आसपास, तब उस इसका पी था 138, वहाँ से पी नीचे डिक्रीज होता हुआ अभी लगभग 54 के आसपास आ गया है। और अगर इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो देखिए आपका ये ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखते हैं तो ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, लिस्ट हुए ये शायद 2021 अक्टूबर नवंबर के आसपास लिस्ट हुआ था। और अगर इसका प्रॉफिट देखेंगे तो 2018 से देखिए अभी पिछले 5-6 साल का देखिए 74 था इसका 18 में, उसके बाद में बढ़ता हुआ हर ईयर ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। देखिए 2021 में 260 था, 2022 में 300 और 2023 में 403, ठीक है, और अभी पिछले 12 महीने के अंदर 387। सो अभी देखिए आपका इसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर यहाँ से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और कंपनी का जो शेयर है अभी वो काफ़ी नीचे के लेवल पे चल रहा है। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अपना एक रिस्क टू रिवार्ड अच्छा बन रहा है, क्योंकि यहाँ एक बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो देख लेते हैं क्या आगे टारगेट्स और क्या सपोर्ट होने वाला है। सो पहले अगर हम सपोर्ट एरिया देखेंगे तो देखिए करंट लेवल 1480 से हैं, अगर हम देखें नीचे सपोर्ट, सो फर्स्ट जो सपोर्ट होगा वो आपका ये वाला लेवल होगा 1400 के आसपास, ठीक है, 1400 के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसका देखिए 200 और 20 डे दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पे इसी लेवल के आसपास आसपास है 1400 के आसपास। सो यहाँ लगभग नीचे फर्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो होगा आपका 5% के आसपास, और दूसरा अगर सपोर्ट देखें हम तो ये वाला लेवल होगा 1370 के आसपास, या यहाँ पे लगभग इसको 1350 मानिए, 1350 से 1370 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे इसने एक बार देखिए ये एक बार नहीं दो से तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर ये वाला फाइनली अगर ये इसका वापस से 1270 का लेवल टूटता है तो फिर हो सकता है एक वापस एक डाउन ट्रेंड दिखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए हमको ये वाला लेवल देखने, ज़्यादा डीप हम इसका स्टॉप लॉस ले नहीं रहे। 6-7% नीचे है, 1380 का फाइनल जो है वो नीचे सपोर्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड सपोर्ट जो है, और फर्स्ट जो सपोर्ट होगा वो 1420 के आसपास, जहाँ पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। सो ये दो नीचे सपोर्ट देखने हैं, और अगर ऊपर हम टारगेट के देखेंगे तो फर्स्ट जो टारगेट होगा आपका वो होगा करीब करीब ये वाला लेवल, जहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था। सो ये वाला लेवल है करीब करीब 1700 का लेवल, जहाँ पे हमारा जो टारगेट बनेगा वो होगा 15% के आसपास। सो ये वाला लेवल है जहाँ 15% के आसपास टारगेट बनेगा। दूसरा अगर हम इसका टारगेट देखें तो करंट लेवल से ये वाला लेवल होगा आपका लगभग आपका 1970 के आसपास दूसरा टारगेट आएगा, जो कि करीब 30-32% के आसपास होगा। सो अगर हम ये दो नियर टर्म के देख रहे हैं इसके टारगेट्स, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स के आसपास, और अगर ये वापस ऑल टाइम हाई तक जाता है, ठीक है, अगर हम इसको पेशेंसली होल्ड करेंगे नेक्स्ट 1 ईयर या 1.5 साल के लिए, तो अगर ये वापस उसी लेवल पे जाता है तो लगभग आपको यहाँ से भी लगभग 80% का स्कोप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो
यहाँ पे एक फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये शेयर देखा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।